नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ऑल ओवर इंडिया में धूम मचा रही। कोरोना काल के बीच थिएटर्स पहुंची सुकुमार की फिल्म पुष्पा ने बम्पर कमाई करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। इसकी जानकारी खुद फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी। मेकर्स ने बताया है कि अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करते हुए 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। ये रकम वर्ल्ड वाइड लेवल पर हुई फिल्म की कमाई पर आधारित है। साल 2021 की ये पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। दूसरी तरफ इस फिल्म के साथ अल्लू और रश्मिका मंदाना के खाते में पहली 300 करोड़ी फिल्म चली गई। बता दें कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने उनकी ही पिछली फिल्म अला वैकुंठ पुरमलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी। पुष्पा ने जहां वर्ल्ड वाइड स्तर पर कुल 300 करोड़ रुपए कमा लिए, तो वहीं अला वैकुंठ पुरमलों ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर कुल 275 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसे में अब ये फिल्म एक्टर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी। दिलचस्प बात यह है कि अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म थी, जिसे मेकर्स ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के साथ ही हिंदी में भी रिलीज किया था। जहां बेहद कम प्रमोशन के बावजूद भी इस फिल्म ने अकेले हिंदी भाषाई सिनेमा घरों से धांसू कमाई करते हुए 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। फिल्म की रिलीज से पहले ही लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी और ये फिल्म सभी की उम्मीदों पर खरी उतरी। कोरोना काल में जहां कई फिल्में अच्छी कमाई के लिए तरसती दिख रही हैं, वहीं कई फिल्में रिलीज के लिए तरस रहे, लेकिन साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का भौकाल लोगों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग भी हैरान हो गए। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज का किरदार निभाया है, उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही। वही फिल्म में रश्मिका मंदाना भी डी ग्लैम लुक में नजर आई, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे। बताते चले कि फिल्म की कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।